बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालात इस किस्म के हैं कि रेगुलर क्लासेस का जो रेगुलर क्लासेस मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। ठीक है, तो आज हम हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस। चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? एवरीथिंग वी कैन टच एंड फील इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी चीज़ आप टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं उसको आप हार्डवेयर के कंसीडर करते हैं। लाइक आपका जितने भी लाइक आपके माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सिस्टम है, ये सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। जबकि इसके मुकाबले में सॉफ्टवेयर है जिसको हम टच और फील नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक आपके प्रोग्राम्स हैं, विंडोज़ हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। लाइक आप एक गेम बनाते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप एक गेम बनाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि इस तरह से आपने वर्किंग करनी है। और अगर आप कभी गेम खेलें तो आप देखें कि वो एक ख़ास सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं और वो गेम उसी के अकॉर्डिंगली चल रही होती है। लाइक आप टेम्पल रन या पबजी, कोई भी आप गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसने बताया कि स्वाइप अप करना है तो उसमें इसका मतलब जंप है, और स्वाइप डाउन करना है तो उसका मतलब रोल करना है। और ये सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसने सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ऑलरेडी उसको दे रखी हुई, और सॉफ्टवेयर आपका उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में क्या आपके पास आ सकता है? ये नंबर्स हो सकते हैं, ये कोई नेम हो सकता है, या आप साउंड की फॉर्म में डाटा गैदर कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, जो अपना डाटा डिफरेंट जगहों से गैदर करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स का जो सारा उसने डाटा रखा हुआ अपने पास, ठीक है, स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड है, या अगर कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके एम्प्लॉय का जो सारा रिकॉर्ड है वो सारा का सारा डाटा कंसीडर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो डाटा है ये आपको कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता जब तक कि इस पे हम कोई प्रोसेस नहीं कर लेते। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो जो प्रोसेस के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, डैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमें पता चली, द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डाटा क्या है? जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और जो प्रोसेस्ड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो क्या है? प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट सामने आया है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। इस सारी दोनों चीज़ों को एक छोटी सी एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लाइक एक क्लास है और वहाँ पे टीचर एक बच्चे को कहते हैं, बेटा आप ऐसा करें, जाएं एक सारे बच्चों के ना रोल नंबर लिख के ले आएँ। वो बच्चा लिख के ले आता है, दूसरे बच्चे को कहते हैं, जाए बेटा आप दूसरे पेज पर सबके नेम लिख ले आएँ। तीसरे को हम मार्क्स के लिए भेज देते हैं, चौथे को हम फ़ोन नंबर के लिए भेज देते हैं। अब आपके पास चार पेज पड़े हुए हैं एक पेज पे, लेकिन ये चारों पेज अलग अलग आपको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे। अगर नेम है तो भाई किसके नेम है, फ़ोन नंबर हैं तो किसके हैं, मार्क्स हैं तो किसके हैं, वो सेपरेटली आपको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे। उसके बाद आप एक और स्टूडेंट को बुलाते हैं, आप कहते हैं, बेटा यहाँ से फर्स्ट रोल नंबर पिक करो, फर्स्ट नेम पिक करो, फर्स्ट मार्क्स पिक करो, फर्स्ट फ़ोन नंबर पिक करो, और एक मुझे तरतीब से लिख के दो। अब जो वो प्रोसेस के बाद आपके पास सामने जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ इंफॉर्मेशन। अब आपको पता है, अच्छा ये स्टूडेंट है, इसका ये रोल नंबर है, इसके ये मार्क्स हैं, ये इसका फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के बाद जो आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप जो कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं विद हाई स्पीड लिंक्स और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसकी वजह से आपके पास जो पूरी दुनिया एक छोटे से ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी हम कह लेते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है टेक्नोलॉजी के साथ उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि आपकी जो इंफॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह तक आपकी एक्सेस है, और आपकी पूरी दुनिया आपके पास ग्लोबल विलेज बन गई हुई है। ठीक है, जिस तरह गाँव में एक बंदे के दूसरे बंदे को एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं होता, सेम लाइक डाटा आपके लिए, अब चाहे चाइना में एक पर्सन बैठा हुआ है, आपके लिए उसे एक्सेस करना मुश्किल नहीं है। आप जैसे एक फ़ोन कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे, आप उसे एक्सेस कर लेंगे।
या अगर आप चाहते हैं उसके साथ काम शेयर करना, तो आप तब भी शेयर कर सकते हैं। आप उसकी रिसर्च देखना चाहते हैं तब भी देख सकते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट वन क्लिक पे उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, एक छोटा सा विलेज बन गई है। ठीक है, और आप जहाँ भी चाहें, जिसकी रिसर्च को देखना चाहें, जिसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहें, आप बड़ी आसानी से सारा कुछ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।